से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमने कहा है, सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुले बोले, अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। Welcome to Das Ka Dum. Shukriya, shukriya, shukriya. ये जो दस का दम में आपने अभी दस का गाना सुना, ये करीबन 10 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था और इसके बोल हैं कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और आज 2009 में ये सच साबित हुआ है, क्योंकि वाकई में सबसे आगे हैं हिंदुस्तानी, है ना। और ऐसे ही कुछ खास हिंदुस्तानियों को हम आप में से चुनकर लेकर आ रहे हैं खेलने हमारे साथ दस का दम। लेकिन लेकिन उसके पहले हम आप सभी को हमारी तरफ से इंडिपेंडेंस डे यानी के स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और अब बुलाते हैं मुंबई के लाखों अन्नदाता में से एक को, दत्ता पंगारे। दत्ता पंगारे जी, आप क्या करते हैं अन्नदाता? मतलब हम लोग डब्बा पहुंचाने का काम करते, बोले तो अन्नदाता है, सबको खाना पहुंचाते हैं और भी टाइम पे। ये जो भी काम पे जाते हैं वो लोग, उनके लंच से पहले हम लोग उनको खाना पहुंचाते हैं। और कितने लोग हैं आप जो काम करते हो? हमारा पूरा 5,000 लोग का ग्रुप है। 5,000 लोग? और आपके 5,000 लोगों का जो ग्रुप है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, वो उनके ऊपर केस स्टडी चलता है? हाँ, हम लोग जब भी बाहर गाँव जाते तभी लोग कहते हैं कि आपके देश में क्या होता है, क्या कैसे करते हैं लोग, क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं। बोलते हैं, हमें बताना चाहता हूँ आपको, मेरे दोस्त को बुला के बताना चाहता हूँ। बताइए बताइए। आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अपने देश में कैसे रहते हैं लोग, क्या करते हैं, कैसे सलमान भाई, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप कितने साल के हो गए? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 24 साल है। 24 साल, उसका डबल कितना होता है? 24 का 48। हाँ, उसमें से 4 निकालो। 44 हो गए। हाँ, तो मैं से आपसे आधा छोटा हूँ। आधा। कभी साइकिल का रेस लगाएंगे अपन? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आपने अभी तक फिर शादी क्यों नहीं की? ले अभी तो मैं 24 साल का है। शादी हो गई तेरी? हो गई है मेरी, इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कैसा लगता है शादी करने के बाद? नहीं, शादी करने के बाद तो सब परिवार आ जाता है, तो फिर सब संभालना पड़ता है। बच्चे अच्छे हैं आपके? नहीं, होने वाला है।
कब रिलीज है बच्चे की? बच्चे का तो अभी 4-5 महीना बाकी है। और शादी कब हुआ? शादी कब हुआ? अभी तो शादी मेरा 2 साल हो गया। इतना टाइम कैसे वेस्ट किया तुमने? आपने तो अभी तक शादी नहीं की है। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करता। और अब बुलाते हैं मुंबई के समुंदर की शहजादी को, मीना भोयर। क्या ला? ये गिफ्ट लाई मच्छी खाने का, चावल की रोटी। ये मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। शुक्रिया, थैंक यू। क्या है, क्या इसमें? पापलेट, झींगा और चावल की रोटी। थैंक यू, ये आज शो के बाद खाएंगे। हाँ? जरूर खाना जी, नक्की। तो आप मछली बनाती हैं या मछली बेचती हैं? मछली पकड़ती हैं? मछली बेचती है। आप कभी मछली जाके पकड़ी नहीं आपने? नहीं, नहीं पकड़ी। फिर कौन पकड़ के लेते आता है? ये दूसरे लोग पकड़ते हैं, घोड़ी वाले दूसरे रहते हैं। आपका नौरा भी जाता है पकड़ने? नहीं जाते, हमारा नौरा रिक्शा चलाता है। कभी तुमने मच्छी का पेट काटा है? मच्छी का पेट काटा है कभी तुमने? उसमें से कोई हीरा या? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, सब कचरा निकलता है। अंगूठी? अंगूठी कुछ नहीं निकला, सब कचरा निकलता है। कभी हीरा मोती? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या मैं सोचा कि सब तुम मच्छी पकड़ पकड़ के सब हीरा मोती सब मच्छी के पेट में से? खुद की मेहनत से। हाँ, खुद की मेहनत से मच्छी ने आपका बहुत अच्छा साथ दिया मैडम। तो आइए मीना जी और दत्ता खेलेंगे हमारे साथ क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड। इस राउंड के रूल्स गौर से सुनना और दोबारा मत पूछना। आपको इन्हें और आपको मैडम को नॉकआउट करना है। 5 सवाल पूछेंगे आपसे, उनके जो जवाब है ना हमारे इस LG LCD टीवी में छुपे हुए हैं। जिसने भी पहले 3 सवालों का सही जवाब दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दाम। आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं अपने ब्लाउज में पैसे रखती हैं? मैंने तो अभी तक गिना नहीं है। बहुत सारे रखती हैं, और जितनी भी दादियां हैं, माए हैं, नानियां हैं, वो तो रखती हैं। है। आजकल ब्लाउज पहनता कौन है रखने के लिए? वही तो है, सब टी-शर्ट पहनती है। और फिर क्या होता है कि साड़ी में बैक पॉकेट नहीं होता ना? जैसे कि हम लोग बैक पॉकेट में वो अपना क्या वॉलेट डालते हैं। हाँ। साड़ी में या यू नो शलवार कमीज के अंदर बैक पॉकेट नहीं होता है, तो इसलिए कहा डालेंगे? और फिर चोरी होने का डर भी नहीं है, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। जैसा अंदर गया तो दो झापड़ खाया, सब पब्लिक ने मारा सीधा जेल में। और उसके लिए कोई ट्राई भी करे उसमें शेर का जिगर और गधे का दिमाग चाहिए। जी हाँ, तो मैं इसमें तो पूछूंगा नहीं कि आप रखती हैं कि नहीं रखती हैं। इसमें आपको 10 सेकंड देता हूं और 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। मीना जी 50%, दत्ता 40%। कोई कोई लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे डबल होता है, तो इसलिए मैं भी बताएगा ना घर पे जाके। पैसे डबल होते तो मैं भी घर पे जाके बताएगा कि रख लो। लेकिन ये क्यों होता है? पहले के लोग तो रखते ही थे, अभी के लोग भी रखते हैं। प्लस में पैसा कुछ नहीं, कुछ का काय रखे तो जल्दी से निकल जाता है। हाँ, देते हैं। हाँ। कितना कौरे थैले जे और चिल्लर? चिल्लर पॉकेट में। अच्छा, चोर पॉकेट। अरे वाह, आपने लगाया 50%, आपने लगाया 40%। दत्ता आए देखे के मीना जी जीती या दत्ता? जीते 1 पॉइंट, आप 0 पे हैं। आपसे आपका अगला प्रश्न पूछता हूं, कितने प्रतिशत भारतीयों को खुद की हंसी फनी लगती है? हंसी तेरे को? मुझे भी, मैं तो जोकर ही, सबको जोकर ही लगता हूं मैं।
तेरी हंसी अच्छी है। अच्छी है लेकिन मेरे दोस्त लोग नहीं बोलते ना अच्छी। ना 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 कौन बोलता है यार, मेरे दोस्त कभी भी जाएगा ना दोस्त लोग के साथ में, मतलब दोस्त लोग के पास जाएगा तो कुछ भी जोकर गिरी करता है, कुछ भी चालू गिरी करता है ना। चालू गिरी हाँ कुछ भी सिंगल वाली किधर से भी ऐसा करो ऐसा करो ये सब करता रहता है ना। मैं इसके लिए वो लोग मेरे को ज्यादा ये नहीं करते कि तू जोकर ही है। हंसता कैसा है? हंसता आपको कोई जोक पता है ऐसा कुछ? मच्छी का जोक? अच्छा मच्छी का कुछ भी पूछो अब भी बता देगा। अच्छा जोक नहीं मालूम, मच्छी में तो जोक है ही नहीं, खाली इतना ही जोक है हाय पैसा मरने के बाद लेके जाओ पैसा। आपका कुछ है देखा हंसा है ना? जोक तो नहीं आता है। गंदा जोक नहीं आता कोई? गंदा तो जोक नहीं आता है। ऐसा तुम्हारे लाइफ में कोई फनी इंसिडेंट हुआ है जो कि तुम बहुत हंसा है? तो मैं मेरा एक जो मतलब छोटा था, मैं बहुत छोटा था, मतलब 10-12 साल का था, इससे भी मतलब अभी तो 24 साल का है लेकिन तभी तो 10-12 साल का था। तभी मैं घर पे अकेला है ना, मम्मी पापा को अकेला है, मतलब मेरी बहन है लेकिन लड़का अकेला है, इसके लिए मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान देती थी कि तू ये मत करना वो मत करना। फिर भी मैं शरारती था बहुत, मेरे को बोलते थे कि तू तैरने कभी मत जाना, तो भी मैं जाता था तैरने। मतलब एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा को बताया एक ने कि दत्ता तैरने गया है, वो आए और मेरे को उधर से पकड़ा। हाँ। और वो मैं कपड़ा भी नहीं पहना था, नंगा का नंगा घर पे लेके आए और एक खम्भे को बांधा और दो घंटा ऐसा ही रखा। दिखा कैसे? दिखा कैसे? मतलब जैसे मैं तैर रहा था। अरे सिर्फ क्या 12 साल का ही फर्क है, कितना फर्क हुआ बता बता दे। अभी तो बड़ा हो गया है ना मैं। अच्छा अच्छा देखता है कौन सबसे ज्यादा हंस सकता है, स्टार्ट करो आप। तीनों में जी हाँ। तो आप दोनों के पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। मीना जी 35%, आप 45%, आए देखें कौन जीतते हैं, मीना जी या दत्ता। मैं जीतते हूँ, खुश हूँ। अरे ये समझ में आता है कि दूसरों को आपकी हंसी फनी लगती है लेकिन आपको खुद को अपनी हंसी फनी कैसे लगेगी, है ना? हाँ। लेकिन आप जीत गए 2 पॉइंट, आप शून्य चलेगा, लेकिन डोंट वरी अभी भी है टाइम। लेकिन अगर ये पॉइंट जीत गए तो मैं चलेगा। मीना जी नहीं कहाँ जाएंगे, उधर बैठेंगे इनका मदद करेंगे ना। और फिर आपके साथ बाद में मच्छी भी तो खाना है। देख सकती हूँ क्या जी? प्रभु वहाँ की चमत्कार हो गया, हमें तो ऐसे लग रहा है हम रामगढ़ से निकलकर सीधे इनामगढ़ पहुंचे हैं, जहाँ पर लोगों को इनाम भी मिलता है साथ में नाम भी होता है ना टोपी वाले भैया। वैसे देखने वाली बात तो यह है कि ये 10 का दम है मौसी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बसंती भी किसी से कम नहीं है। बसंती हो मैं बसंती हूँ टांगे वाली। आपको मच्छी वाली हो? मच्छी वाली हूँ, मच्छी वाली। वैसे मैं आपको बात बता दूं, मैं इस शो में बहुत देर से आना चाहती थी, बहुत अच्छा शो है ये, लोग यहाँ आते हनुमान जी का नाम लगाकर अनुमान लगाते और पैसे जीतते जाते जीतते जाते जीतते जाते। अब जब मैं यहाँ आई गई हूँ क्या बजाना है ताली ताली डायलॉग कंप्लीट करने दे। अब जब मैं यहाँ आई गई हूँ तो मैं खेलूंगी, सलनो कुछ पूछो ना मुझसे।
आपसे तो नहीं लेकिन इनसे पूछूंगा। ठीक है, मैं बीच में खड़े रहूंगी। कितने प्रतिशत भारतीयों ने बॉलीवुड के झटके प्रैक्टिस करे हैं? झटके आपने कभी प्रैक्टिस किए हैं? थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है। कैसे बताओ? सॉरी, नहीं मैं तो आपके साथ में डांस करना चाहता हूँ। पहले झटके बताओ, उसके बाद ही मैं बोलूंगी हाँ या ना। झटके बताओ। बताओ, ये तो सब झटके। तुम चुपचाप खड़े रहो। आपने कभी प्रैक्टिस किया है? मैं तो बहुत नाचती हूँ घर में, कुछ भी टेप लगा के वेप लगा के, शादी रहेगा तभी बहुत नाचती हूँ, जरा भी शर्म थी नहीं नाचने को। आपने कभी कोई पिक्चर देख के आपने वो प्रैक्टिस किया है? नहीं, पिक्चर देख नहीं। जैसे कि शिल्पा शेट्टी जी जैसे नाचती है, या माधुरी दीक्षित, या श्रीदेवी जी। आई हो सलमान, यू आर इंसल्टिंग मी। किस किस का नाम ले लिया तुमने? यू आर फॉरगेटिंग द ओल्ड वाइन। अरे झटकों के लिए तो मैं बाहर हूँ। आप दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए इनको, दिखा दीजिए कैसे। सच्ची? जी तो बजाओ ना एक बार। एक बात बता दूं सलमान, मेरी जाने की आदत तो है नहीं और मेरा दिल भी नहीं कर रहा, पर क्या है, यहाँ आने के लिए मैंने अपनी धनों को नो पार्किंग में छोड़ दिया था, इससे पहले कि वो कबूतर आकर मेरी धनों को नो पार्किंग से ले जाए मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, पर जाने से पहले एक बात बोल दूं, इंड नारा किंड लमार करंड लपो, इसका मतलब है तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? तो आपका प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने बॉलीवुड के झटके प्रैक्टिस करे हैं? आप दोनों के पास 10 सेकेंड है और 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। आपने लगाया है और 40% दत्ता आपने लगाया है। ये कौन है? मेरी भाती है, मेरे देवर की लड़की है। आपकी देवर की लड़की है? आपका नाम क्या है स्वीटहार्ट? नाम सर दिवेशा। दिवेशा, दिवेशा आप भी डांस करती हैं? अरे सलमान भाई आप किधर गए थे? मैं किधर गया था? आप लोग को आप आपके कोली बहनों ने इतना अच्छा नाचा और बच्चियां शायद मुझे देख के शर्मा नहीं जाती, इसलिए मैं बाहर चला गया था। आपने लगाया 35% पर, आपने लगाया 40% पे, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मीना जी जीतेंगी? देखते हैं कौन जीतता है ये पॉइंट, आप या दत्ता आप। पर, 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 पर,
ऐसा नसीब तो हम लोग का नहीं था। अरे हमारा नसीब ऐसा है। थैंक यू। पर हम लोग आपके साथ डांस करने का। ऑफ कोर्स डांस डांस करेगा। आइए आप सबकी आप आपकी सहेली है। मेरी भाभी है। भाभी है। बहन है। बहन है। चाची है। चाची सब लोग है। बुलाओ आ जाओ। कम 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 थोड़ी डांस बोल। दामाजी कैसे हैं आप? ठीक है, ख्याल रखना उनकी बेटी का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ताई थैंक यू ताई थैंक यू। आप जीत गए ये क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड। तो दत्ता अब आप मेरे साथ खेलेंगे 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। ये जो हमारी मुंबई की ऑडियंस है ये आपकी मदद करेंगे। और फिर आपके साथ आपके कंपेनियन कौन? ओ नमस्कार नमस्कार। हम लोग आपके लिए कुछ लेके आए थे। मेरे लिए कुछ लेके आए। हाँ आइए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ आने दब नो टोपी 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 है। हम लोग आपको हमारे हाथ से बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ये डब्बा आपके नाम का? आपके नाम? मेरे नाम का डब्बा है ये लीजिए। मैं यहाँ पे रखूँ डब्बे को। जी लेट्स प्ले 10 का दम। आपसे आपका पहला प्रश्न पूछता हूँ। खिड़की है 40% की। खेल रहे हैं 10,000 रुपये के लिए दत्ता। प्रश्न है ये, अगर किसी फिल्म में ब्रेक मिल जाए तो कितने प्रतिशत भारतीय अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ देंगे? ऐसे तो सब बहुत लोग करेंगे। आप क्या करेंगे? मेरे को तो मैं भी कर सकता हूँ लेकिन हमारी भी नौकरी अच्छी है तो ब्रेक मिल जैसे तो कि अगर आप ब्रेक मतलब कि आपको अगर पिक्चर मिल गई और आप वो बड़े स्टार बन गए। हाँ। उसके बाद भी स्टार बनने के बाद भी जो आपकी पहली नौकरी है वो करेंगे? डब्बा डब्बा सप्लाई करेंगे? स्टार बनेंगे तो करेंगे ना। आपके जैसा स्टार बनना ही है हमको। आपकी जैसी बॉडी बनानी। आपकी बॉडी तो मेरे को बहुत पसंद है बहुत पसंद है। और अगर आप बॉडी दिखाएंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अरे यार बॉस पहले आपने आपने ये ले अपना ही ट्रिप पे चला गया अपना ही चक्कर मिला तो पहले मिला तो सही कौन है? हाँ मेरा दोस्त है। दोस्त है? नाम तो बता दोस्त का। अंकुश है। अंकुश अंकुश ये ले कैसा दोस्त है? खुद लग गया स्टार बन गया दिमाग में स्टार बन ही गया तू। ऐसी बात नहीं है तो मेरा दोस्त है अंकुश। हाँ जैसे डब्बा के नौकरी छोड़ेगा वो तेरे को भी छोड़ देगा बड़ा आदमी होने के बाद। हाँ ये तो ख्वाब में चला नहीं गया यार। हाँ दत्ता ये आपका दोस्त है ये आपकी मदद करेंगे। अब मदद उधर से बैठ के करेंगे ना बॉस? हाँ आराम से एकदम। हाँ अल्टी पल्टी मार के बैठ जा मेरे भाई। नहीं नहीं आपको सामने देखा ना तो सब कुछ भूल गया मैं। इसके लिए दोस्त को भूल गया? नहीं नहीं भूलने गया। स्टार बनेगा स्टार बनेगा स्टार बनेगा तो नौकरी छोड़ेगा दोस्त को छोड़ेगा क्या क्या करेंगे यार? हम लोग नहीं छोड़ता है। एक अनुमान लगाओ दत्ता। आप भी एक जरा प्लीज पोलिंग खींचिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी नौकरी बहुत पसंद है। अगर आप उनको आप मेरी जिंदगी भी दे दो ना तो बोलेंगे नहीं भैया आप अपनी जिंदगी जियो और हमें हमारी जिंदगी जीने दो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी जिंदगी छोड़ के किसी और की जिंदगी जीना चाहते हैं। अंकुश बस
ऑडियंस बस मैं ऑडियंस पोल देखना चाहता हूँ. ऑडियंस पोल देख लेते हैं. आइए ऑडियंस पोल. एक तो वहां पे सबसे बड़ी चोटी है 5% पर, उसके बाद है सबसे बड़ी चोटी 50 से लेके 60, मतलब के 50 से 80 तक. आपने लगाया 35 से लेके 75%. क्या करना चाहते हैं आप? अंकुश काय करायचं? काय करायचं? सांगा सांगा. खाली गए थोडं खाली गए वर गए 33 33 33 कशाला पॉइंट काय तुझा? थिंकिंग काय? सब लोग तो अपनी नौकरी खुद की छोड़ के नहीं जा सकते. कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता. ऐसा नहीं है कि सब जाएंगे या सब नहीं जाएंगे. मतलब किसी की क्या मर्जी है वो इतना भी मालूम नहीं पड़ सकता है ना. तो मेरे ख्याल से तो लगता है इतना ठीक रहेगा. आपको ऐसा लगता है कि एक्टिंग बहुत सिंपल होता है? लेकिन आप बोले मिलेगा तो. लेकिन हिंदी पिक्चर करेंगे मराठी पिक्चर करेंगे? कौन सी भी पिक्चर करना चाहिए? क्योंकि हिंदी पिक्चर में कौन सा हिंदी पिक्चर अच्छा लगा मेरे को बताया नहीं. अच्छा मेरा बता कौन सा अच्छा लगा तेरे को? आपकी तेरे नाम. मेरे को तेरे नाम उसमें जो आपके बाल है ना वो तेरे नाम में. तेरे नाम का स्टाइल किया था ना आपने. मतलब बालों का स्टाइल यहाँ तक आंखों तक थोड़ी बहुत आंख में जाती थी बाल. ऐसा निकलते सिगरेट पीते थे. वो बहुत अच्छा. मैं आपसे डांस करना चाहता ये बन सकता है, हीरो बन सकता है. अभी 10 कदम में आने के बाद अपने मोहल्ले में तो ऑलरेडी बन चुका है तू हीरो, है ना? जी हाँ. तो आपने 33 से 73% पे लगाया है. हाँ. क्या करना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से तो ठीक है, लेकिन अंकुश क्या करेंगे? छाप दो. छाप दो. छाप दो बोलते हैं. छाप दो. ऑडियंस छाप दो. अंकुश छाप दिया. टट्टा ने लगाया है 33% से लेके 73% पर. प्रश्न ये है कि अगर किसी फिल्म में ब्रेक मिल जाए तो कितने प्रतिशत भारतीय अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ देंगे? आए देखें कि दत्ता 10,000 रुपए कमाते हैं या इस गेम से. मेरी तनख्वाह 5,000 है. तो आपके 2 महीने की तनख्वाह तो आ गई है. अब आपको आगे खेलना है या आपको क्विट करना है? नहीं नहीं खेलना है. खेलना है. अच्छा ठीक है. तो आगे मैं आपसे आपका अगला प्रश्न. सलमान कैसे हो? सलमान मैं ठीक हूँ जी. आप कब आए वापस? अभी आया हूँ.
मान ना मान मैं तेरा मेहमान सलमान शेक हैंड सलमान शेक हैंड्स That's it. आज भी मेरे पैर बहुत मजबूत है बस सुना है कि बसंती आई थी दरअसल उसका पीछा करते करते मैं यहाँ आया एक्चुअली क्या है कि मैं बसंती के पीछे हाथ धो के पड़ जाता लेकिन उससे पहले ही मैं अपनी हाथों से हाथ धो बैठा तुम तो अच्छी तरह से जानते हो सलमान कि मैं किसी से नहीं डरता ना पुलिस की मार से ना गोलियों की बोचार से ठाकुर डरता है तो गब्बर के तलवार से गब्बर ब्लडी हेल एनीवेज तू बड़ा खुश हो रहा है हाँ नहीं नहीं कौन है रे तू हरिया मैं टिफिन वाला हूँ टिफिन वाला ओके एनीवेज सलमान जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं भी खेलूँगा लेकिन अनुमान लगाने दे मेरा कोई हाथ नहीं होगा Is it okay with you? It's fine. Proceed. जी. नीचे देख. नीचे. प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि जब उनकी पत्नी किसी फिल्म स्टार को लेकर दीवानों जैसी हरकतें करती हैं तो उन्हें जलन होती है 1,00,000 का प्रश्न है और 30% की खिड़की है आपकी आपको क्या लगता है तुमने मेरे डूबते रख पर हाथ रख दिए सलमान तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं सिवाय रामू काका के ये जलना किसे कहते हैं मुझे नहीं मालूम दत्ता तेरे को क्या लगता है अगर तेरी मिसेज किसी हीरो को चाहे तो तेरे को जलन होगी और क्या होगी ना सही कहा तुमने उनका फेवरेट हीरो कौन है आप ही सलमान भाई तो जलन होती है कैसा जलन होगा नहीं होगा फिर तो नहीं होगा जलन ना नहीं तो भी होएगा यार अगर क्यों होगा जलन होगा क्यों क्योंकि ये सही मानों में मर्द है नीचे 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 किधर है अरे ऐसे अरे सॉरी यार यू कैन गो बैक ओके जी हाँ प्रश्न यह है कि 1% क्या कर रहे हो सलमान मुझे अभी अभी मैसेज आया है के बसंती धन्नो को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गई है मुझे लगता है मुझे वहां जाना होगा आई विल सी यू लेटर ओके और तू जीत के जाना थैंक यू वरना शक्ल मत दिखाना एंड नाउ बिफोर आई लीव गिव मी अ बिग हैंड प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि जब उनकी पत्नी किसी फिल्म स्टार को लेकर दीवानों जैसी हरकतें करती हैं तो उन्हें जलन होती है
पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हम लोग अब पर्दे पे हैं वो हम लोग रियल लाइफ में है नहीं। वो जो जो लड़कियां जो कि दीवानों की तरह हरकतें करती हैं, वो उस कैरेक्टर को देखे, जो कैरेक्टर हम लोग प्ले करते हैं उनको, और वो हम नहीं हैं, तो आपको कोई जलन नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका भी सही बात है, लेकिन लड़कियाँ भी मतलब होती है ना, वो जलती है, मतलब ये करती है तो थोड़ा बहुत जलन होएगी ना, क्योंकि सबका मन थोड़ी ऐसा रहेगा कि नहीं। सोचो कि आपके नेबर को चाहे उसमें ज़्यादा जलन होगी या हमको चाहे उसमें ज़्यादा जलन होगी आपको। उस वक्त क्या बोले, नहीं भैया सलमान खान ही बेटर था, तू यहाँ पे मत देख। ऐसी बात नहीं, किसी की भी बीवी हो और दूसरे को मतलब ये करती हो तो वो उसको जलन होगी ना। एक अनुमान लगाओ, आप भी प्लीज एक अनुमान लगाइए। जैसे आप लोग हमारे हीरोइंस को चाहते हो, हाँ हम लोग को होती है क्या जलन? जैसे हमारी गर्लफ्रेंड्स हैं, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, आपकी है? तो जैसे कि आप, अरे वाह, आप भी प्यार करते हैं? मैं प्यार करता किया है आपने कभी? हाँ, मैंने प्यार किया है। किससे? और फिर उसके बाद मैंने प्यार क्यों किया वो भी किया है। क्या लगता है 35 से लेके 65 ऑडियंस का पोल देखना चाहेंगे आप? हाँ, ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल देखते हैं प्लीज। ऑडियंस ये लो, इतने सारे लोग, बाप रे बाप, जो बेसिकली 40 से लेके 70 तक का है। हाँ दत्ता, हम लोग कितनी गालियाँ पड़ती होगी। इतने सारे लोग जलते हैं तो गालियाँ तो पड़ती होंगी बॉस। क्या हो क्या गया यार, मैं वही तो बोल रहा था कि वही तो मैं बोल रहा था। हाँ, अरे वर्ती बस 37 नीचे 37 बस। क्या करा सा तुला? क्या करूँ, छाप दो, हाँ छाप दो, छापो। 1,00,000 सट्टी खेलतो है तू? हाँ, छाप दिया 37 से लेके 67% पर। दत्ता ने प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि जब उनकी पत्नी किसी फिल्म स्टार को लेके दीवानों जैसी हरकतें करती हैं तो उन्हें जलन होती है। लगाया 37 से लेके 67% पर। आए देखें कि दत्ता 1,00,000 रुपए लेके जाते हैं या फिर ओनली 1,000 रुपीज। अगला प्रश्न होगा 10,00,000 रुपयों के लिए,
और खिड़की होगी 20% की। प्रश्न है ये, कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि उनके जीवन साथी शादी से पहले ज्यादा आकर्षक थे? शादी से पहले और शादी के बाद? लेकिन आपने शादी नहीं की तो आपको कैसा मालूम शादी के बाद ऐसा होता है? आपने शादी नहीं की अभी तक? शादी नहीं किया इसका मतलब थोड़ी कि इंसान नहीं हूं मैं। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोल रहे शादी से पहले ऐसा? मैं तेरे से पूछता हूँ बेटा। हाँ, पहला तेरे को ज्यादा आकर्षक लगती थी आपकी मिसेस अभी, तो अभी? नहीं नहीं, शादी से पहले ज्यादा अच्छी लगती। ज्यादा अच्छी लगती? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। अभी के नहीं करता है? अभी भी करता है फिर? लेकिन शादी नहीं हुई थी ना तब। होएगी क्या नहीं होएगी ऐसा भी लगता था ना। ऐसा क्यों होता है कि पहले जो आकर्षक लगता है शादी के बाद इतना नहीं लगता, क्यों ऐसा क्यों होता है? यार सही है, क्योंकि अभी वो अभी तो अंदर आ गया मैडम तो अभी। हाँ, शादी के पहले तो लगता ही आकर्षण मतलब ज्यादा, ऐसे की ऐसा नहीं शादी होने के बाद इतना ये नहीं होता है। वो एक बच्चा देख रहा था माँ की शादी का एल्बम देख रहा था। हाँ। तो फिर वो देखते देखते बोलता कि मम्मा मम्मा ये अंकल कौन है जो हर फोटो में आपके साथ? इसे बेटा ये तेरे पापा है। जैसे फिर वो टकला मोटा कौन है जो घर में? दत्ता, 20% की खिड़की है, 1,00,000 रुपये कमा चुके हो आप। अगर आपने ये प्रश्न का सही जवाब दिया तो आप 10,00,000 रुपये कमाओगे, गलत जवाब दिया तो फिर आप सिर्फ 10,000 रुपये लेके जाओगे। 1,00,000 रुपये भी कम नहीं है, लेकिन अभी 10,00,000 का भी प्रश्न खेलना चाहता है। खेलना चाहता है? खेलना चाहता है। तो अभी अनुमान लगाइए, कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि उनके जीवन साथी शादी से पहले ज्यादा आकर्षक थे? आप भी एक अनुमान लगाइए। आपकी कोई टिप्पणी है इसमें? आपकी कोई टिप्पणी है? क्या लगता है, आपकी शादी हो चुकी? हाँ, मैं भी शादी। आपकी बीवी अभी ज्यादा आकर्षक है या पहले थी आपके लिए? पहले थी। ऑडियंस पोल देखना चाहेगा? हाँ। ऑडियंस पोल देखना चाहेंगे दत्ता। ऑडियंस पोल दिखाते हैं दत्ता को। ऑडियंस पोल है 50 से 70 पर। ये बेसिकली बोलने क्या होता है ना दत्ता, कि जब जब रोमांस शुरू होता है तो दूर दूर से बहुत अच्छा लगता है, और फिर धीरे धीरे करके जब जब गर्लफ्रेंड हो जाती है और फिर बीवी बन जाती है और फिर साथ में रहते हैं तो फिर वो जो अट्रैक्शन जो था ना पहले का, वो कम, वो आपको ऐसा लगता है कि कम हुआ है? वो कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा होता है। सोचो कि अगर 3 महीने के अंदर ब्रेकअप हो तो दुख नहीं होगा? नहीं होगा, 3 महीने के अंदर ब्रेकअप हो गया। लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल के बाद कुछ ऐसा झगड़ा हो जाए तो फिर ना आपको नींद आएगा ना उनको नींद आएगा। हाँ। छोड़ के चले गए तो बहुत दुख होएगा। मुझे भी नहीं आती है अभी तक, है ना। मेरी बीवी गांव में जाएगी तो भी मेरे को नींद नहीं आती है। कहाँ जाता है नींद नहीं आती तो भी ज्यादा कहाँ है? वैसे ही सो जाता है और क्या, एक एक दो दो बजे तक जागता रहता है और क्या। बीवी के याद, बीवी की याद आती है तो फिर क्या क्यों बोलता है कि पहले ज्यादा आकर्षक लगती थी? नहीं नहीं, लेकिन अभी तो रोज साथ में रहती है, पहले कभी कभी मिलती होती इसके लिए। फिक्र मत करिए, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है ये। दत्ता सोच समझ के 10,00,000 रुपये का सवाल है। ऑडियंस बस अंकुश 1 पॉइंट 54 बस। ऑडियंस कहाँ जाला दत्ता? कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज आला। 54 से लेके 74 पे आपने लगाया है। क्या करूं यार अंकुश, 49 का कर रहा था तेरा? 49 बराज। ऑडियंस दत्ता 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 छापने का तेरे को? खाली है, खाली है, छापने का है। प्रार्थना करके छाप देना, खाली के तो बस। ओ
71% पर दत्ता ने आए देखे दत्ता 10 लाख रुपए कमाते हैं कि नहीं। अब आपका अगला प्रश्न है 1,000 रुपयों के लिए। एक करोड़ रुपयों के लिए खिड़की है 10% की, खेलना चाहेंगे नहीं खेलना चाहेंगे? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमा चुके हैं आप, खेलना चाहोगे नहीं खेलना चाहोगे? Stop, stop. क्विट करना चाहता हूँ। आपने क्विट कर दिया, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा इंडिपेंडेंस डे का एपिसोड, आई होप आप लोगों को पसंद आया है। Saturday go!